विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर एकाएक चर्चा में आ गए। लोगों ने दावा कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हार्ट अटैक आ गया है। कई ट्विटर हैंडल से ये खबर वायरल होने लगी कि सपा नेता पहले दिल का दौरा पड़ने पर बेहोश हुए और फिर उन्हें मेदांता लेकर जाया गया। बात ने जरूरत से ज्यादा जब तूल पकड़ा तो मौर्य को खुद अपनी तबीयत की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ा। हमारी रिपोर्ट में आप कुछ कमेंट्स देख रहे हैं, जहां लोग लिखते हैं, दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की सेहत ठीक होने के लिए कामना करने भी शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल का दौरा पड़ा है, बेहोशी अवस्था में लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया, सत्ता छूटी, विधायकी भी छीनी तो बेचारे को सदमा लगेगा ही, बिन विचारे जो करे सो पछताए। देख सकते हैं आप लोग लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के दिल का दौरा पड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर बातें कर रहे थे। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा और बात स्वामी प्रसाद मौर्य तक पहुंची, स्वामी प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और अभी आवास पर कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। आपको बता दें, चुनाव से पहले और अभी चुनाव के बाद भी लगातार इस तरह की खबरें वायरल होती जा रही हैं, लेकिन आपको इन तमाम खबरों पर आंख बंद करके भरोसा करने से सतर्क रहना है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।